अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चिकन बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ जो दूसरे बर्गर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। होप यू गाइस लाइक दिस रेसिपी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बर्गर की डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, ऑयल लिया है 5 टेबलस्पून, दूध लिया है 1 गिलास, एक अंडा लिया है, ईस्ट 2 टेबलस्पून, दानेदार चीनी ली है 2 टेबलस्पून, सॉल्ट लिया है 1/2 टेबलस्पून और मैदा लिया है 4 कप। तो चलें इसको अब गूंथते हैं। एक मैंने बाउल ले लिया है और उसमें मैं सारा मैदा डाल रही हूँ और ईस्ट, चीनी और सॉल्ट ये हम इसमें डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी से मिक्स हो जाएं। इनको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। और अब इसमें हम एक अंडा डालेंगे और उसको भी अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। कहीं पर कोई भी लम्स बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर हम इसके बीच में दूध डालेंगे और उसको गूंथते जाएँगे। दूध जो है वो हमने हंस पे ज़रूरत लेना है, तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास यूज़ किए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जो आपका मैदा है वो कितना दूध अपने में डिज़ोल्व करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पूरा दूध का ग्लास यूज़ किया है, तो उसके साथ मैं ये डो को गूंद रही हूँ और ये इस शेप में आ गई है। तो मैं इसके बीच में ऑयल डालूँगी और इसको मैं गूंदती जाऊँगी। डो को आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से गूंदना है। 5 मिनट गूंदने के बाद आपको फ़ील होगा कि आपकी डो सॉफ़्ट हो गई है, तो फिर आप उसको रेस्ट के लिए रख दें। किसी गर्म जगह पे आप इसको रखें रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए। तो अब चलते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था 1, जिसका मैंने कीमा बना लिया था। और इसमें मैंने काली मिर्चें 1 टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और सब्ज़ मिर्चें मैंने ली थी 3 और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था। तो आप इसके बीच में ब्रेड का 1 पीस भी डाल सकते हैं, वो भी मैंने डाला था, तो आप भी डाल लें। तो ये सारी चीज़ें डाल के अच्छा सा इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो फिर आप एक तवा या पैन ले लें और उसके बीच में हंस पे ज़रूरत ऑयल डाल के आप इसको पका लें। तो फ्लेम जो है मैंने लो रखी हुई है और लो फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाऊंगी। एक घंटा हो चुका है, डो हमारी राइस हो चुकी है। अब मैं इसको पंच करूंगी और इसमें से मैंने एक छोटे साइज़ का पेड़ा निकाल लिया इस तरह से, और मैंने जैसे एक रोटी बनाते हैं तो इसी तरह से आप इसका पेड़ा कर लें। और इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा भी कर लूँगी। जो दूसरा पेड़ा है मैंने पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा लिया है, तो ये मैंने एक छोटा साइज़ का लिया है और एक मैंने ये बड़े साइज़ का लिया है। तो जैसे रोटी बेलते हैं इसी तरह हम इसको भी बेल लेंगे। अब इसी तरह मैं दूसरे पेड़े को भी बेल लूँगी और फिर हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए मैंने ये सॉस ली है, चिली गार्लिक सॉस। तो ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी इसमें डालूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें आप डालें और इसको फैला लें पूरे पेड़े में। और फिर मैंने ये चेडर चीज़ ली है और इसको मैंने इस शेप में काट लिया है, तो फिर मैंने ये इसके ऊपर रख दी है। आप लोग मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमने टिक्की बना के रखी थी चिकन की, तो वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो अब ये जो दूसरा पेड़ा है इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। तो मैंने ये इंक रिमूवर का कैप लिया है और इसके साथ मैं ये इस तरह से इसमें डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो
तो जैसे ये मैं कर रही हूँ, आप भी सेम मेथड को फॉलो करना। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर ली है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये मैंने उठाया है और इसके ऊपर इस तरह से मैंने ये रख दिया है। आप कोई भी गोल शेप का कैप ले लें, मैंने ये आइसक्रीम सेट का लिया है। तो ये मैं इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ और बाद में जो इस साइडें हैं इसकी, इसको मैं नाइफ़ की मदद से उतार लूँगी। कितनी ज़्यादा खूबसूरत इसकी शेप आ चुकी है, ये देखें कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अब मैं इसको ब्रूफिंग के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आप लोग इसे कम से कम 30 मिनट के लिए रखें। तो ये देखें, ये राइस हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर अंडे की जो जर्दी है उसको फेंट लूँगी और वो मैं इसके ऊपर लगाऊँगी। अंडे की जो जर्दी है ये सारी आप इसके ऊपर ब्रश करें अच्छे तरीके से। ये सारी इसके ऊपर ब्रश करके फिर हम इसको रख देंगे बेक करने के। ये देखें, बेक होके आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसके बीच में आप बाद में ऑयल का ब्रश कर दें। ये जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और उससे भी कई गुना ज़्यादा ये डिलीशियस बने हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड माई फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।